गाइस, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उन्हें कब्ज़ यानी कॉन्स्टिपेशन और गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम तो ज़रूर होती होगी। ऐसे में अभी बारिश का मौसम या फिर कई सारी काम भी होती है जिसके कारण हम डॉक्टर के पास तो नहीं जा पाते हैं, और बेबी का इलाज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हम सबके पास कुछ ऐसी मेडिसिन होनी चाहिए जो इन बीमारी को ठीक करती है। तो चलिए, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी मेडिसिन के बारे में जो कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में यूज होती है। अगर छोटे बच्चे, जिसे हम न्यूनोटल बेबीज़ बोलते हैं या फिर न्यू बॉर्न बेबीज़ बोलते हैं तो उनके लिए यानी कि 2 साल से कम के बच्चों के हाय लिए। एवरीवन, वेलकम टू मेड फार्मेसी, दिस इज राकेश। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट द कॉन्स्टिपेशन सर। इन न्यू बॉर्न बेबीज़, मतलब नवजात बच्चों में कब्ज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे कि बच्चों को हम उल्टा सीधा खिला देते हैं, या नवजात बच्चों के माता डैट मीन्स मदर अगर कोई उल्टा सीधा चीज़ खा लेती है या ज़्यादा मसालेदार चीज़ खा लेती है, तो उससे भी नवजात बच्चों में कॉन्स्टिपेशन और गैस्ट्रिक की समस्याएँ देखने को मिलती है। कॉन्स्टिपेशन में होता क्या है कि जो बच्चा होता है उसका लैटिंग जो होता है वो टाइट, जिसे हम मल बोलते हैं, वो टाइट हो जाता है और कुछ दिन तक वो लैटिंग नहीं करता। तो ऐसे कंडीशन में कॉन्स्टिपेशन के लिए हमने कुछ दवाई सजेस्ट करा है, इसे आप ले सकते हैं। जो फर्स्ट दवाई है हमारा क्लोगजल इन्फेंट ड्रॉप्स, ये जो ड्रॉप है ये कॉन्स्टिपेशन रिलीव करता है 0 से 3 साल तक के बच्चों को, और सॉफ्टन स्टूल करता है, और ये जो है स्टूल को पतला करता है जिससे कि बच्चा जो है आसानी से लैटिंग कर ले, ज़्यादा दिक्कत ना हो या फिर 2 या 3 दिन ना लगाएं। फिर नेक्स्ट है हमारा फिगोलेक्स। फिगोलेक्स ड्रॉप भी है जो कि 0 से 6 महीने तक के बच्चों के लिए है, इसे भी आप ले सकते हैं। ये भी जो है, ये जो हमारा है जो इन्फेंट मतलब छोटे बच्चों में लैटिंग को क्या करता है, सॉफ्टन करता है और आसानी से बच्चा अपना मल त्याग करता है। साथ में पीडियालेक्स है, पीडियालेक्स भी है, लिक्विड स्टूल सॉफ्टनर है, ये भी अच्छा काम करता है, जो कि ये 0-2 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए है। अब बात करते हैं इसकी डोज की। तो 0 से 6 महीने के बेबी को क्लोगजल और फिगोलेक्स ड्रॉप 5 ड्रॉप दिन में 3 बार देते हैं, तो इससे आराम मिलता है बेबी को और कॉन्स्टिपेशन की समस्याएं दूर हो सकती है। अगर 2 से 11 वर्ष का बच्चा है तो पीडियालेक्स ड्रॉप हम 2 स्पून दिन में 3 बार देते हैं छोटे बच्चों को। अगर बच्चा नवजात है और 5 से 6 दिन तक लैटरिंग नहीं हो रहा है और बच्चा परेशान कर रहा है, तो आप डुल्कोलेक्स लैक्सेटिव सपोजिटरी, एक मोम की तरह स्ट्रिप आती है, इस स्ट्रिप को बच्चा के जो है मल त्याग करने वाले रास्ते या फिर लैटिंग वाले रास्ते में लगा दे, तो 5 से 10 मिनट के अंदर बच्चा जो है अपना मल त्याग कर देगा और उसे आराम मिलेगा। अब बात करें गैस्ट्रिक की, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम इन न्यू बॉर्न बेबीज। अब गैस्ट्रिक की बात कर रहे हैं तो नवजात बच्चों का जो पेट होता है, इस गैस्ट्रिक की समस्या में वो पेट जो होता है वो टाइट हो जाता है, पेट में दर्द होता है, और फिर जो पेट जो होता है उसमें गैस बन जाता है और बच्चा जो है ज़्यादा चिल्लाता है। आप बच्चे को तुरंत कोलिकेड, जो कि हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, कोलिकेड ड्रॉप दे सकते हैं, या फिर कोलीमैक्स भी करके ड्रॉप आती है, ये भी दे सकते हैं। 0 से 6 महीने के बच्चे को आप 5 ड्रॉप दिन में 3 बार दें। अगर ज़्यादा दर्द करा तो तुरंत भी दे सकते हैं 5 ड्रॉप, जिससे कि बच्चों को जल्दी रिलीफ मिल जाएगा। और अगर बच्चा 6 महीने से ऊपर का है तो आप वुडवर्ड्स, जो यहाँ पे दिख रहा है वुडवर्ड्स, एक ग्रीप वाटर होता है, इसे भी दे सकते हैं, या फिर मदर स्पास करके एक टमी रोल ऑन, ये भी करके एक वाटर आता है, इसे भी देंगे 2 स्पून 6 महीने से ऊपर के बच्चों के लिए। 6 महीने से ऊपर के बच्चों के लिए 2 स्पून देंगे दिन में 3 बार, तो इससे भी क्या होता है, आराम होता है। या फिर वैसे बच्चा जिनका जो दांत निकलता है तो बाथरूम वाथरूम ज़्यादा होता है और कब्ज होती है, या फिर पेट में गैस बन जाता है और दर्द करता है, तो हम उसमें भी वुडवर्ड्स और जिसका ग्राइप वाटर और फिर मदर्स टॉमी स्पार्स का जो है टमी रोल ऑन, ये भी देते हैं, तो इससे भी आराम मिलता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही अगर आपको इससे जुड़ी कोई समस्या है तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट मतलब कुछ लिख मैसेज कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याएं लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।